बीए पार्ट टू सेमेस्टर फोर सोशोलॉजी समाजशास्त्र, इसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसमें हम सोशल, ये हमारा पेपर है, सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दे, ठीक है। ये पेपर कोड आपका है और ये क्वेश्चन देख लेते हैं, समय 2 घंटे का मिलेगा। और यदि आप लोगों को ये पेपर मिल जाता है तो आप लोग हमारे नंबर 9897 0591 97 पर व्हाट्सअप कर दें स्क्रीन शॉट लेकर। तो यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है आतंकवाद, आत्महत्या, मादक पदार्थ का सेवन, साइबर अपराध, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें क्वेश्चन है आपके, देख रहे हैं कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, भ्रष्टाचार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित होता है 1947 में। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने एशियन ड्रामा नामक पुस्तक में भ्रष्टाचार का क्या निवारण और सुझाव दिया है? तो वो दिया है गुन्नार मेडल ने। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 3 है, भ्रष्टाचार निवारण समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें आपका ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ऑप्शन बी आपका राइट जाएगा, 1966 में दिया गया है। अगला है क्वेश्चन आपका, ये दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए जानबूझकर अपने निर्धारित कर्तव्य की उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार है, ये किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा आपकी किसकी है? इलियट एंड मैरिल। जो आंसर है हम आपको वही बता रहे हैं सीधे, इससे समय ख़राब ना हो। भ्रष्टाचार बोधक सूचकांक 2019 के आधार पर भ्रष्टाचार मुक्त कौन सा देश घोषित किया गया है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? तो उसमें एक छोटा सा देश है वर्ल्ड मैप देखोगे आप तो, ये डेनमार्क है, ठीक है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु विश्व स्तर पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का गठन किया गया था, कब किया गया था इसका गठन? तो आइए देखते हैं, 1985 है। नीचे आपके 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, आपका आंसर बनेगा 1995 में, ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा इसका आंसर। वीडियो पसंद आए एक बार एक लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे कि निरंतर अपडेट मिल सके। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडियन अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो ये अन्ना हजारे ने काम किया था, ठीक है, जिस समय बीजेपी की सरकार जब बनी थी पहली, तो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पर प्रथम लोकपाल आपके हैं पिनाकी चंद्र घोष, और इनकी नियुक्ति हुई है 17 मार्च 2019 के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ने भारत के किस विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार पाया जाता है? अब यहाँ पर आपका पुलिस विभाग दिखा गया कि पुलिस विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 11, भारत में कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हुआ था, किस वर्ष हुआ था? ये 2010 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुत चर्चित घोटाला कौन सा है, यानी कि काफ़ी चर्चा में कौन सा घोटाला रहा था? तो ये सारे घोटाले हैं भारत के जो चर्चित रहे हैं, 2G घोटाला हो गया, कोलगेट घोटाला हो गया, बोफोर्स घोटाला हो गया, ये तीनों ही बहुत चर्चित घोटाले रहे थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लगभग कितने मामले दर्ज हुए थे? कि जो 2020 में जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू हुआ था उसमें कितने मामले दर्ज हुए? तो हुए थे लगभग 3,100 मामले दर्ज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, किसकी अध्यक्षता में रेलवे भ्रष्टाचार जांच कमेटी बिठाई गई थी? तो जांच कमेटी बिठाई गई थी आचार्य कृपलानी 1953 में। अगला क्वेश्चन आपका है, भ्रष्टाचार की भी त्याग की तरह ऊपर से आरंभ होता है और नीचे की ओर प्रसारित होते हुए संपूर्ण समाज को अपने रंग में रंग लेता है, ये किसकी परिभाषा? ये है रोनाल्ड से सेजल की परिभाषा है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भ्रष्टाचार को रोकने से संबंधित संस्थान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब भेजी थी? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा की है या भेजी है 1964 में। क्वेश्चन नंबर है 17 दिया हुआ है, इंटरनेट का उद्भव सर्वप्रथम
उद्भव कहाँ और कब हुआ था? तो ये सबसे पहले अमेरिका में होता है और होता है सन 1969 में, 1970 यानी अमेरिका में जो है ने इंटरनेट का उद्भव होता है 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में इंटरनेट सेवा कब प्रारंभ का काल कब से कब माना जाता है? तो इसका प्रारंभ काल जो है वो सन 1987 से लेकर 1988 के बीच शुरू हुआ है इंटरनेट सेवा इंडिया की। अगला क्वेश्चन आपका है, साइबर अपराध अपील ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने होता है? तो कार्यकाल हमारा यहाँ होता है 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 20 में दिया हुआ है भारत में वर्ष 2021 की तुलना में सबसे अधिक साइबर अपराधों की संख्या किस राज्य में देखी गई है? तो वो आई है आपका तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 के 21 में जो अपराध कुल अपराधों के मामले में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये 5.9% वृद्धि हुई है। क्वेश्चन है 22, साइबर अपराध के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पर आपके कानून का प्रभावी अभाव, तकनीकी कमी, कर्मचारियों की कमी, डिजिटल जागरूकता की कमी, तो ये सारे इसके कारण हैं तीनों। तो उपरोक्त में सही यानी सभी वाला ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आतंकवाद की समस्या किसके अंतर्गत आती है? अपहरण के और आतंकवादी आती है संख्या आती है वो विघटनकारी और हिंसा के रूप में आती है। अगला क्वेश्चन है 24, मुंबई में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कब हुआ था? 26 नवंबर 2008 को हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पोटा किससे संबंधित है? तो ये भी आपका एक प्रकार से आतंकवादी विरोधी या निरोधी कानून है या संगठन है या संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में विश्व की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना कहाँ हुई थी? तो ये न्यूयॉर्क में घटती है और 11 सितंबर 2001 को होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर है, उल्फाग्रवादी संगठन किस राज्य में अधिक सक्रिय रहता है? तो वो सक्रिय रहता है असम में। अगला क्वेश्चन आपका है, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान का कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आइए देख लेते हैं इसको, ये संबंधित है नक्सलवाद से। उल्फाग्रवादी संगठन किस राज्य में अधिक सक्रिय रहता है? तो ये असम में सबसे सक्रिय रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है ये है नक्सलवाद से, ठीक है। जबकि नक्सलवाद असम में, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, जंगली इलाका होता है इसलिए वहाँ ज़्यादा इनको सक्रिय रहते हैं, छिपने की जगह मिल जाती है। भारत सरकार ने आतंकवाद निरोधक अधिनियम कब लागू किया था, यानी पारित किया? तो वो पारित किया था मार्च 2002 में। और आपका क्वेश्चन नंबर है 30, न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब आतंकवादी हमला हुआ? तो ये क्वेश्चन आपका है आंसर बी, 11 सितंबर 2001 को सबसे बड़ी घटना थी विश्व की, जो कि न्यूयॉर्क शहर पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन आल पर प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नॉट सब्सक्राइब वाले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इसके बाद में आपको सेकेंड सेमेस्टर का सोशियोलॉजी प्लेलिस्ट पर विजिट कर लीजिएगा, और जो करिकुलर जो सब्जेक्ट आपका है उसके भी वीडियो आपको अपलोड हो जाएंगे। बाकी MGP के अलावा अगर आप कोई अन्य यूनिवर्सिटी से विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपनी यूनिवर्सिटी को जरा शो कर दें कमेंट में, जिससे कि हम उसके रिलेटेड भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।